फैसिलिटी सेंटर फेज टू के लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के लिए जमीन अलॉट कर दी गई है। उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक को उज्जैन नगर के अनुविभागीय व भू अर्जन अधिकारी द्वारा मंदिर के मठ की जमीन लेने के लिए आदेश पारित किया गया है। भूमि का अधिग्रहण कर मंदिर प्रबंध समिति के नाम दर्ज की गई है। इस भूमि पर महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत फैसिलिटी सेंटर फेज टू का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक ने बताया कि फैसिलिटी सेंटर फेज टू में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय, सुविधाघर, जूता स्टैंड, कैंटीन, पीने के पानी की व्यवस्था आदि कार्य किए जाना है। फैसिलिटी सेंटर में करीब 4000 श्रद्धालु दर्शन हेतु प्रतीक्षा कर सकेंगे। उन्हें सेंटर पर प्रतीक्षा के दौरान सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि रहेगी। मंदिर समिति जिस जगह यह सेंटर बनाने जा रही है उसमें निजी जमीन का भी अधिग्रहण किया गया है। मटवा निजी जमीन को मिलाकर करीब 2.5 हेक्टेयर में फैसिलिटी सेंटर का निर्माण होना जिसकी लागत करीब 14 करोड़ बताई जा रही है। अब देखिए, महाकाल मंदिर में दिनों दिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हम लोगों ने उसका एक वृहद प्लान बनाया है। मंदिर के पास में एक लगी हुई भूमि है जो भोजन के माध्यम से अभी हमको प्राप्त हो गई है और उसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक फैसिलिटी सेंटर टू डेवलप करने के लिए टेंडर किया था। अब हम जल्दी वहां पर काम भी प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, लगभग 4000 श्रद्धालु एक साथ उसमें रह पाएंगे और विभिन्न जो उनकी आवश्यकता होती है वो हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। उसमें जूता स्टैंड भी रहेगा, लगेज बैगेज सिस्टम भी रहेगा, प्रसाद काउंटर भी रहेंगे, कुछ शॉप्स भी रहेंगी, उसमें बाथरूम और बाकी सारी जो सुविधाएं होती है वो उसमें रहेगी। हम जल्दी ही इसको कम्प्लीट करेंगे।